मेहताब राय तांबा का एक शेर है। वो लिखते हैं कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी इसराइल में जो आग लगी है और जिसमें पूरा मध्य पूर्व एशिया जल रहा है, वो इसराइल के ही चश्मो चिराग हमास की कारस्तानी है, जिसे इसराइल ने बनाया सिर्फ इसलिए था ताकि वो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके मुखिया यासिर अराफात का मुकाबला कर सके। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि पीएलओ और यासिर अराफात इसराइल के दोस्त बन गए और हमास इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई तब की है जब दुनिया ने हमास का नाम भी नहीं सुना था। हमास के गठन से पहले इसराइल और अरब देशों के बीच चार चार जंग हो चुकी थी, जिसमें हर बार अकेला इसराइल पूरी अरब लीग पर भारी पड़ रहा था। जब चौथा अरब इसराइल युद्ध खत्म हुआ तो फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्सों पर इसराइल का कब्जा हो चुका था। अब इसराइल के पास शासन के लिए यहूदी तो थे ही, उसे अब अपनी अरब आबादी पर भी हुकूमत करनी थी। इसके लिए इसराइल ने मोहरा बनाया फिलिस्तीन में मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता शेख अहमद यासीन को। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में बना एक सुन्नी इस्लामिक संगठन था, जिसकी स्थापना साल 1928 में हुई थी। इसका विस्तार पूरे अरब देशों में था, जहां अलग अलग लोग इस्लाम के लिए काम कर रहे थे। फिलिस्तीन में इस काम की जिम्मेदारी थी शेख अहमद यासीन की। नकबा के दौरान शेख अहमद यासीन भी विस्थापित होकर गाजा पट्टी पहुंचा था। 12 साल की उम्र में एक हादसे में उसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता था। हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहता था, आंखों से भी वो देख नहीं पाता था। लेकिन गाजा में लोग उसकी बात सुनते थे। वो एक इस्लामिक स्कॉलर हो गया था जो धार्मिक तकरीरें करता था और फिलिस्तीन के लोगों की भलाई की बातें किया करता था। तो इसराइल ने शेख अहमद यासीन को अपना आदमी बना लिया। शेख अहमद यासीन को खूब पैसे दिए ताकि अहमद यासीन गाजा में स्कूल बनवा सके, अस्पताल बनवा सके, मस्जिदें बनवा सके, गरीबों की मदद कर सके, जिससे कि गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी उसे अपना नेता मान लें और वो खुद इसराइल के इशारे पर चलता रहे, जिससे इसराइल का गाजा पर भी कब्जा रहेगा और शांति भी बनी रहेगी। क्योंकि लड़ाई में जितने पैसे खर्च होते हैं, उससे कम खर्च में ही अहमद यासीन को इसराइल अपने इशारों पर नचा सकता था। ये पूरा प्लान इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद का था। इसके अलावा इसराइल का एक और प्लान था, और वो प्लान था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ और उसके मुखिया यासिर अराफात को कमजोर करने का, जिसमें अहमद यासीन इसराइल की मदद कर सकता था। क्योंकि 2 जून 1964 के बने पीएलओ का मकसद अरब समूहों की एकता और फिलिस्तीन की आज़ादी था। 1973 में जो चौथा अरब इसराइल युद्ध हुआ था, वो यासिर अराफात के नेतृत्व में ही हुआ था। लेकिन इस जंग के बाद मिस्र और इसराइल के बीच शांति समझौता हो चुका था, तो इसराइल के लिए वेस्ट बैंक में अकेली मुसीबत पीएलओ ही था। इस बात को इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद भी बेहतर ढंग से समझ रही थी। लिहाजा मोसाद ने गाजा पट्टी में अपने बनाए आदमी शेख अहमद यासीन को और ज़्यादा पैसे देने शुरू किए। इसराइल के कहने पर शेख अहमद यासीन ने संगठित तरीके से गाजा पट्टी में अपनी सत्ता चलाने के लिए एक संगठन बनाया, नाम दिया मुजम्मा अल इस्लामिया। इसका मकसद था इसराइल के पैसों से गाजा पट्टी में बसे फिलिस्तीनियों की मदद करना। लेकिन इसराइल ने सिर्फ पैसों से ही मदद नहीं की, हथियार भी भेजे, ताकि अगर कोई छिटपुट झड़पें हों या फिर पीएलओ का दखल बढ़े तो मुजम्मा अल इस्लामिया खुद ही डील कर सके। अब पीएलओ गाजा में तो उतना ताकतवर था नहीं, तो ज़्यादा दखल मुजम्मा अल इस्लामिया का ही हो गया। 1979 में खुद इसराइल ने मुजम्मा अल इस्लामिया को अपनी ओर से मान्यता भी दे दी और कहा कि ये संगठन गाजा पट्टी में मस्जिदें बनवा सकता है, स्कूल अस्पताल बनवा सकता है, लाइब्रेरी बनवा सकता है और साथ ही गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी बनवा सकता है। कुल मिलाकर इसराइल ने ऐलानिया तौर पर मुजम्मा अल इस्लामिया का समर्थन कर दिया। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब पहला इंतिफादा हुआ। ये था कि गाजा में जबालिया नाम की जगह पर एक रिफ्यूजी कैंप था, जिसमें फिलिस्तीनी रहते थे। ये इसराइल की सीमा से लगी हुई जगह थी। 9 दिसंबर 1987 को इसराइली सैनिकों के एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 3 रिफ्यूजी थे जो जबालिया कैंप के थे। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इसराइली सैनिकों ने जानबूझ कर टक्कर मारी है। इसके विरोध में पूरे फिलिस्तीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों ने इजरायली सैनिकों के ऊपर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया। तब फिलिस्तीन के पास हथियार के नाम पर यही हुआ करता था। इतिहास की किताबों में इस विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से जाना जाता है। अब तक जो इजरायल शेख अहमद यासीन के जरिए गाजा पट्टी में कब्जा जमाए बैठा था, अब उसे वहाँ भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। बाकी वेस्ट बैंक में तो पीएलओ था ही, जो इजरायल के खिलाफ जंग छेड़े हुए था। तो अब इजरायल को फिर से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों ही जगहों पर लड़ाई लड़नी थी।
लेकिन चूंकि ये हथियारबंद विरोध प्रदर्शन नहीं था तो इसराइल खुलकर अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाता। ऐसे में इसराइल ने फिर से मदद ली शेख अहमद यासीन की। अब तक शेख अहमद यासीन के बनाए संगठन मुजम्मा अल इस्लामिया को इसराइल मान्यता दे ही चुका था, तो उसने इसी के जरिए इंतफादा को खत्म करने की कोशिश की। प्लान ये था कि शेख अहमद यासीन एक मिलिटेंट संगठन बनाए, वह संगठन इसराइल पर हमला करे और बदले में इसराइल गाजा नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में हमला करके पीएलओ को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, जिसे पूरे फिलिस्तीन पर इसराइल का कब्जा हो जाए। शेख अहमद यासीन इसराइल की बात को टाल ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुजम्मा अल इस्लामिया का एक मिलिटेंट संगठन बनाया। नाम दिया हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, शॉर्टकट में इसे ही कहा जाता है हमास। शेख अहमद यासीन ने खुद को इस संगठन का धार्मिक नेता बना दिया, जबकि लड़ाई की कमान संभाली अब्देल अजीज अली अब्दुल माजिद अल रतनीसी ने, जिसे फिलिस्तीन का शेर भी कहा जाता है। इसराइल की ओर से हमास के साथ हुई इस डील में आउनर कोहेन भी शामिल थे। ट्यूनिशिया में पैदा हुए कोहेन 1970 और 1980 के दशक में इसराइली अधिकारी थे, जिनकी तैनाती गाजा पट्टी में थी। उन्होंने साल 2009 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे इस बात का पछतावा है, हमास इसराइल का ही बनाया हुआ संगठन है। जब इसराइल पीएलओ और यासिर अराफात से लड़ रहा था तो उसने इस लड़ाई में शेख अहमद यासीन की मदद की, और तब भी मदद की जब शेख अहमद यासीन हमास बना रहा। आउनर कोहेन ने कहा था, गाजा पट्टी में तैनाती के दौरान भी मैंने अपने अधिकारियों को रिपोर्ट लिखकर दी थी कि वो बांटने और राज करने की नीति बंद करें, हम इस हैवान को तोड़ने के रास्ते खोजें, लेकिन अधिकारियों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और नतीजा हमास हमारे सामने है। इसराइल के कहे मुताबिक हमास ने पहला हमला किया 16 फरवरी 1989 को और दूसरा हमला किया 3 मई 1989। इन दोनों ही हमलों में हमास ने इजरायली सैनिकों को अगवा कर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। इसराइल यही चाहता भी था, तो उसने वेस्ट बैंक में पीएलओ को खत्म करने की नीयत से हवाई हमला शुरू कर दिया। वहीं पीएलओ के लोग गाजा पट्टी में भी थे ही, तो उनके खात्मे के लिए इसराइल ने हमास का ही सहारा लिया, और नतीजा ये हुआ कि पीएलओ इतना कमजोर हो गया कि जो हमास गाजा में ही ताकतवर था, उसकी ताकत वेस्ट बैंक में भी बढ़ गई, और फिर वो इतनी बढ़ गई कि उसने न तो मोसाद की सुनी और न ही इसराइल की। और आज की तारीख में इसराइल का दुश्मन न तो पीएलओ है और न ही फिलिस्तीन या वेस्ट बैंक, बल्कि वही हमास है जिसे उसने खुद बनाया था। एंड्रयू हिगिंस एक ऐसे ही अधिकारी रहे हैं जो 1980 के दशक में इजरायली सेना की ओर से गाजा में तैनात किए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल को ही साल 2009 में दिए एक इंटरव्यू में एंड्रयू हिगिंस ने भी कहा था कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि गलती हो गई, इसराइल ने ही मदद देकर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा बनवाई जो मिलिटेंसी का गढ़ बन गई। 2008-09 में जब इसराइल ने ऑपरेशन किया तो पहला हमला इसी यूनिवर्सिटी पर किया गया था। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि हमास इसराइल का बनाया हुआ तालिबान है। 1980 के शुरुआत में गाजा पट्टी में इसराइल के मिलिट्री जनरल थे ब्रिगेडियर जनरल येजताक सेगिव, उन्होंने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यासिर अराफात के नेतृत्व वाले सेक्युलर लेफ्टिस्ट फताह पार्टी का मुकाबला करने के लिए फिलिस्तीन इस्लामिक मूवमेंट हमास को पैसे दिए थे। ये पैसे इसराइली टैक्स पेयर्स के थे, जिनका इस्तेमाल हमास ने उन्हीं इजरायली लोगों को मारने में किया जिनके वो पैसे थे। ब्रिगेडियर जनरल येजताक सेगेव ने भारी मन से इस बात को भी स्वीकार किया था कि इजरायल की सरकार ने मुझे पैसे दिए और मिलिट्री ने वो पैसे मस्जिद को दे दिए। वहीं 1980 के दशक में गाजा में तैनात इजरायली सेना के अरब एक्सपर्ट डेविड हैचमैन ने भी कहा था कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि गलती हो गई है, लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया और फताह पार्टी को बनाने वाले यासिर अराफात हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हमास को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसराइल ही है, वही इसराइल जिसने अरब लीग के 4-4, 5-5 देशों से अकेले जंग लड़ी, 4-4 बार लड़ी और जीत हासिल की, वही इसराइल जिसने 1967 में 6 दिनों में ही पूरी अरब एकता को ध्वस्त कर दिया था, वो आज अपने ही बनाए हमास के आगे इतना कमजोर हो गया है कि 10 दिनों की जंग के बाद भी वो हमास के हमले रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।